नमस्कार, मैं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वह 9 चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वह प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए 5200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। क्या है ये योजना और क्यों है खास प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्धार्थनगर में बने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। साथ ही वहीं से एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर के मेडिकल कॉलेजों को भी उन्होंने डिजिटल माध्यम से लोकार्पित किया। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता में वृद्धि करना, चिकित्सा महाविद्यालयों के वितरण में मौजूदा असंतुलन में सुधार करना और जिला अस्पतालों की मौजूदा हालातों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है। योजना के 3 चरणों के अंतर्गत देश भर में 157 नए चिकित्सा महाविद्यालय मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 63 चिकित्सा महाविद्यालयों का पहले से ही संचालन चल रहा है। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना देश भर में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने वाली एक देशव्यापी व सबसे बड़ी योजना है और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा। पीएमओ ने कहा कि आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उद्देश्य शहरी व ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक व गंभीर स्वास्थ्य हालातों के लिए सुविधाओं में मौजूदा बाधाएं हटाने का है। इस योजना का लक्ष्य ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करके एक आईटी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली का निर्माण करना है। पीएमओ ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया खबर लाइव।